हवा में पेश है दिव्या कैसेट के माध्यम से। एक बात लेकर आए आ रहे हैं महाशय सतपाल दोसा सुमित कंवर गोविंदपुर, और बात भी गोपीचंद के इतिहास से होगी कि जब उसकी माता गोपीचंद से योग धारण करने के लिए कहती है और गोपीचंद मना करता है तो दोनों के सवाल जवाब किस तरीके से होते हैं, बात किया वाला रागनी के द्वारा। मुक्त करे बेटा लपचो राशियो नी का तू कोन्या भोग करे बेटा, लपचो राशियो नी का तू कोन्या योग करे बेटा। हरग्रस्त योग से बड़ा बताया बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, दिया योग से ऊंचा दर्जा सदा ग्रस्त गुणियों ने, कर्मों के अनुसार मिले फल बतलाया ऋषि मुनियों ने, कर्मों के अनुसार मिले फल बतलाया ऋषि मुनियों ने। हो मेरी बात मान ले लाल, मेरी बात मान ले लाल, कुछ ख्याल कर ज्ञान मिले बेटा, कर दे अमर तन कर दे अमर शरीर तेरा तन, मुक्ति दान मिले बेटा भक्ति कर तन मुक्ति मिल जा और भगवान मिले बेटा, भक्ति कर तन मुक्ति मिल जा और भगवान मिले बेटा। जीव आत्मा अमर रहे मा देहे मनुष्य की हरिया करे, भव सागर से पारे उतर जाजो भजन हरि का सर्या करे, किसने जन्म लिया दुनिया में माँ एक दिन वो भी मरा करे, किसने जन्म लिया दुनिया में एक दिन वो भी मरा करे। ओ गुरु गोरख शिव अवतार दीदार कर
त्याग लाल तने जीवन मोक्ष मिले बेटा। युगो युग तप नाम चले तने जग में मान मिले बेटा। नाट गया त मेरे दिल पे कोन्या चोट झिले बेटा। नाट गया त मेरे दिल पे कोन्या चोट झिले बेटा। सोच समझ ले बात मेरी तू फिर पछ पछतावेगी। बारे कन्या ब्याहवण ने तू कैसे धीर बंधावेगी। बुझेंगी जब सोले रानी किस तरिया समझावेगी। बुझेंगी जब सोले रानी किस तरिया समझावेगी। हो किस ते ले वे चंद्रा भा अवतारी गोरखनाथ। कर दे अमर शरीर तेरा गुरु शिव अवतारी गोरखनाथ। तेरा कहन करूं पूरा मैं धारण जोग करूं माता। कान फड़ा कशीस मुड़ा लूं पूरा प्रण करूं माता। ऋषि बाल गुरुओं की सेवा दिन और रात करूं माता। ऋषि पाल गुरुओं की सेवा दिन और रात करूं माता। बोले सुमित कमर गुरु ज्ञान। ले सुमित कमर गुरु ज्ञान।